सीनियर मुझे बहुत डांटने वाली है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला था कि हाय गाइस, कैसे हो आप लोग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिव्यू ओनली। आज का लुक थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम नहीं, आई थिंक 17 साल के बाद मैंने नोज रिंग पहना है, वो भी आपके रिक्वेस्ट पे। नोज रिंग्स के हॉल लेके आइए, तो बस आपने बोला और मुझे तो करना ही था। मैं नहीं पहनती हूँ, मैंने बहुत पहले पहनना छोड़ दिया था। मैंने बहुत क्यूट क्यूट से नोज रिंग्स मैं लेके आई हूँ मीशो से, जिसको आप डेली भी पहन सकते हो, पार्टी में पहन सकते हो, और अलग अलग डिज़ाइन के हैं। ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटू सा वीडियो होने वाला है, बट जो भी है बहुत प्रिटी है। थैंक यू जिसने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसने मुझे बोला था, उसे सच में थैंक यू बोलूँगी क्योंकि बहुत लुक चेंज हो गया है। 10 साल पहले मैंने क्यों छोड़ दिया नोज रिंग पहनना, उसके पीछे भी बहुत क्यूट सी एक स्टोरी है। अभी मेरी मम्मी अगर देखेंगी तो मुझे बहुत डांटने वाली है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला था कि नोज रिंग तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लग रही है, तो बस घर जाते ही मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। और मेरी मम्मी बहुत मुझसे पूछ रही थी कि क्यों नहीं पहन रहा है, बस ऐसे बोल दी कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, और तब से मैं नहीं पहन रही हूँ। रीज़न यही है कि मेरी शादी हो गई है, तो इस वजह से मैं नहीं पहन रही हूँ। सॉरी मम्मी, अभी अगर मेरा वीडियो देख रही होंगी तो आपको अब पता चला होगा असली रीज़न कि क्या था, तो इस वजह से मैंने पहनना छोड़ दिया था। और जो होल था वो भी शायद बंद हो चुका है, बट ये वाला जो है ना, ये प्रेस करने वाला है, जिसका पियर्सिंग नहीं है वो भी आराम से इसको पहन सकता है। क्वालिटी एंड ऑल सब कुछ परफेक्ट है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस नोज रिंग की बात करूँगी, दो मिल रहा है, आई थिंक ये 200 समथिंग का था। स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूँगी आपको प्राइस, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा सारे लिंक्स, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा या और भी कुछ आप वीडियो देखना चाहते हो तो बिंदास होके कमेंट करो यार। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नोज रिंग की। ये थोड़ा बड़ा है, ये ना पूरा एक मराठी मुलगी टाइप का वाइब दे रहा था इसको पहनने पे, बहुत क्यूट लग रहा था। आप इस टाइप के नोज रिंग पहनते हो तो आपके लिए परफेक्ट है। तो आप इसका एक बार डिज़ाइन देख लो, बहुत ज़्यादा प्रिटी है, और क्वालिटी इतनी अच्छी मिली है। ये पूरा आपको पर्ल का काम मिलेगा, यहाँ पे स्टोन का वर्क मिलेगा, ये छोटे छोटे यहाँ पर्ल है। यहाँ पे आपको एक बहुत स्मार्ट सा एक ऐसा स्टैंड जैसा मिल रहा है, जिसको आप अंदर प्रेस कर सकते हो, इतना लाइट वेट है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे नोज रिंग पहनो तो बहुत इचिंग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको 72 बार पहने होंगे। मतलब मैं देख रही थी कि सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं, तभी मैं आपको रिकमेंड करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। और एक ये वाला मिल जाएगा थोड़ा सा कैरी के शेप का ये, और उसी में दूसरा मुझे मिल रहा है एक ऐसा शेप का, ये भी बहुत क्यूट है, थोड़ा बड़ा सा लगता है पहनने पे। मैं वीडियो भी आप देखते रहना, बहुत सुंदर लग रहा था। इसको भी पहन के दिखाऊं क्या? रुको मैं पहन के दिखाती हूँ, बहुत इजी है पहनना। इसमें थोड़ा ऐसा स्टॉपर जैसा मिल रहा है पहनने का हुक, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बस आपको ऐसे करके डालना है और ये फिट हो जाता है नोज़ पे, और पूरा डिफरेंट यार, मुझे देख के ही वो लग रहा है, बहुत बड़ा है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, बहुत सुंदर है। और मुझे अगर दोनों की बात करें तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। मैं इसको भी पहन के दिखाती हूँ आपको, तब आप बताना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पूरा एक मराठी वाली वाइब दे रहा है ना, स्मार्ट लग रहा है। वाह, मुझे हंसी आ रही यार, मैं जोकर तो नहीं लग रही हूँ? नहीं, आई थिंक अच्छा लग रहा है, आप बताओ कैसा लग रहा है। तो हैवी में मैं ये दो लेके आई हूँ, और भी थे मुझे पसंद आ रहे थे, थोड़े नथ टाइप के, तो मुझे लग रहा था यार ऐसा कौन ही पहनेगा, मतलब अगर मेरे एज के कोई है तो पार्टी में भी आई थिंक नहीं पहनेगा, शादी वादी का बात अलग होता है। अगर डेली की बात करें या छोटे मोटे फंक्शन की बात करें तो आप ऐसा कैरी कर सकते हो। चलो उसको पहने रहते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट नोज रिंग की, तो वो मुझे मिला है इस बॉक्स में। ये भी बहुत प्रिटी है, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी, ऐसा मिलेगा। ये पूरा स्टोन का वर्क है, गोल्डन कलर में, और इसमें ये वाला ऐसा पेच जैसा मिला, मतलब ऐसे करके ना आप इसको टाइट कर सकते हो। बहुत क्यूट सा है यार, बहुत सुंदर लगा मुझे। छोटे छोटे स्टोन है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है, और इसको भी पहन के दिखाती हूँ मैं। मैंने अलग से भी वीडियो बनाए हुए हैं पहन के, बट आपके सामने पहन के भी दिखाई देती हूँ मैं। इसको अंदर ऐसे करना है, और अंदर जो पेच है ना उसको ऐसे ऐसे करके टाइट कर देना है, बट अभी मैं ऐसे कुछ ऐसा लुक आ रहा है। और ये बहुत कॉमन है, ये वाला जो शेप है ना, बहुत लोगों को मैंने देखा है, पहनती नहीं हूँ इस वजह से मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है, बट आप बताना आपको कैसा लग रहा है देखने में। उसके बाद आप बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये मैंने ऑक्सीडाइज में लिया है। किनकारी कुर्ता पहनूँ, कुर्ता सेट पहनूँ, ऑक्सीडाइज के नोज रिंग बहुत प्रिटी लगते हैं, तो इसको निकालते हैं। और मैं इसमें आपको 6 पीसेस मिल जाएंगे, कि 6 पीस बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग डिज़ाइन है। सबसे पहला एक ये है, ये देखिए, एक ये डिज़ाइन मिल जाएगा, देन आपको मिल जाएगा डिज़ाइन सुंदर है ट्रायंगल शेप में, देन आपको मिल जाएगा एक हैवी सा, ये क्यूट है, सारे के सारे मुझे अच्छे लगे। और ऑक्सीडाइज तो यार हमेशा से मेरा फेवरेट होता है, या ज्वेलरी की बात करो, इयररिंग्स की बात करो,
इसलिए मैंने ऑर्डर किया था ये छोटा सा फ्लावर। ये भी बहुत स्मार्ट लगेगा पहनने पे, इसको पहनती हूँ मैं। नाइस। और एक ये छोटा सा पिकॉक, बहुत सुंदर है। इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, अगर आप ऐसा लेना चाहते हो, ऑक्सीडाइज में जाना चाहते हो। मेरे ख्याल से जो टीन गर्ल होती है ना, जिनको थोड़ा शौक होता है ऐसे नोज रिंग्स पहनने का, रिकमेंड करूंगी उनके लिए। काफी स्मार्ट है, कुर्ते कुर्ते पे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यार। चिकनकारी कुर्ता पहन लो या ऐसे भी कॉटन के कुर्ते लॉन्ग लॉन्ग पहन लो, उसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी गजब का ही एक लुक आता है पहनने पे। और इसके सारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं, ये आप देख लो, छोटा सा फ्लावर बना है, ये भी बहुत सुंदर लग। ये पिकॉक वाला भी मुझे बहुत प्यारा सा लग रहा था, छोटा सा पिकॉक। इसको पहन के दिखाते हैं आपको, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, छोटा सा पिकॉक है, बहुत प्यारा सा और क्यूट लग रहा है। अब मुझे आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा पहन सकती हूँ, क्या बोलते हो? मतलब साड़ी वाड़ी पे या कुर्ते पे तो अच्छा लगेगा ही ना, इस साड़ी पे भी अच्छी लग रही है नोज रिंग, तो पहन सकते हैं यार। और पेन भी नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, कंफर्टेबल है तो पहन सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट। तो ये मुझे इस बॉक्स से मिला था, तो आप किसी भी एज के हो ना उसमें आप पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये रोज गोल्ड कलर में है, छोटा सा बहुत क्यूट सा, मैं कैसे दिखाऊं आपको, बहुत प्यारी इसकी डिजाइन है रोज गोल्ड में, छोटे छोटे स्टोन लगता है कि इतने छोटे स्टोन लगाते कैसे होंगे यार। तो ये देखो कुछ ऐसा आ रहा है, सिंपल सा है, जिसको बहुत लाइट सा नोज रिंग पसंद है वो पहन सकता है। और देखो मैंने इसको प्रेस नहीं किया है, स्टिल ये बहुत अच्छे से फिट हो गया है, क्योंकि इसका शेप थोड़ा ऐसा दिया हुआ है, आगे से ऐसे थोड़ा सा बंद है, तो वो अच्छे से फिट हो गया, आपको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोलूँगी यही कि जो लोग पहनते हैं उनको, उनके ऊपर तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं नहीं पहनती हूँ फिर भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया। अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसने रिक्वेस्ट किया था प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच आपने किया, मुझे बहुत अलग सा ये प्यारा सा हॉल है। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करके जरूर जाइए, एटलीस्ट लाइक तो कर ही दीजिएगा। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान दीजिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए, और जो भी नोज रिंग आपको पसंद है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक ले लीजिएगा। बाय।